हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इन दिस यूनिट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसमिशन, मींस इन विच किस तरह से हीट का ट्रांसमिशन हो सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या फिर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे एंड सारे टाइप्स कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। And in next video we will discuss some important laws of thermodynamics. So now let's start. First topic is method of heat transmission. Means किस तरह से कोई भी object है, मान लीजिए कि ये consider करें, वैसे ये plastic है, metals की बात करते हैं, या कोई भी object है इसमें heat का transmission कराना है, तो heat के transmission के किसी भी object में या फिर कोई भी लिक्विड है, कोई भी गैस है, उसमें ट्रांसमिशन के कितने तरीके होते हैं। तो देयर आर थ्री वेज ऑफ हीट ट्रांसमिशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पहली बात है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में डिफरेंस क्या है, कैसे आप समझेंगे कि हाँ ये प्रोसेस कंडक्शन है या फिर ये प्रोसेस कन्वेक्शन है या फिर इसे आप रेडिएशन कहेंगे। तो इन केस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके इस पॉइंट पे डिफरेंस डिफरेंट दूसरा है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 है। अभी क्या होगा, हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट आपका हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है एंड दैट प्रोसेस नोन एज कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन अगर ऑब्जेक्ट में और या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जब वो कॉन्टेक्ट में है, तो कंडक्शन आपका जब होता है तो उसमें आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं। एंड कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से हीट का ट्रांसफर होता है, हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एंड दैट प्रोसेस नोन एज कंडक्शन। नाउ व्हाट विल बी इन केस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस आपका लिक्विड्स में होता है। किसमें होता है, लिक्विड्स में होता है कन्वेक्शन का। कंडक्शन आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में कंडक्शन का प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है एंड जब टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो उसकी वजह से आपका कंडक्शन का प्रोसेस होता है। कन्वेक्शन का प्रोसेस ये आपका लिक्विड्स में होता है एंड लिक्विड्स में अगर आपकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डेंसिटी डिफरेंट है। कन्वेक्शन टेक प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम फ्लूइड या फिर सेम लिक्विड। कि सेम लिक्विड है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डेंसिटी डिफरेंट है, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के जब डिफरेंट पार्ट्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है उसकी वजह से जब हीट फ्लो होता है, दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। एंड नाउ थर्ड इज रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है, आई थिंक रेडिएशन के लिए तो आप लोग को पता होगा रेडिएशन क्या होता है। इन केस ऑफ रेडिएशन देयर विल बी एमिशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज, अल्फा, बीटा, गामा, इन पार्टिकल्स का रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन में क्या होता है, आपका वहाँ पे एमिशन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, आपकी इमिट करती हैं। देयर विल बी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन केस ऑफ रेडिएशन। और मेन इसमें अभी समझ में आ गया कि तीनों क्या होता है, आपका कंडक्शन देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में होता है, कन्वेक्शन आपका सिर्फ फ्लूइड्स में होता है एंड रेडिएशन क्या होता है, वो आपका गैसियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में आपका वर्क करता है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के लिए आपका मीडियम जरूरी होता है। अगर आप लिक्विड के पार्ट्स एंड लिक्विड है, सेम फ्लूइड है या सेम लिक्विड है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपके आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, तो इसके लिए मीडियम की, कन्वेक्शन के प्रोसेस के लिए मीडियम की जरूरत होती है, कंडक्शन के प्रोसेस के लिए मीडियम की जरूरत होती है। बट इन केस ऑफ रेडिएशन मीडियम इज नॉट नेसेसरी। कि जरूरी नहीं है कि रेडिएशन केस में आपका मीडियम क्या हो, नेसेसरी हो। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आपका स्लो प्रोसेस होता है, बट रेडिएशन इज अ फास्ट प्रोसेस। रेडिएशन क्या होता है, आपका एक फास्ट प्रोसेस होता है। तो इस तरह के आपके तीन तरीके होते हैं हीट ट्रांसमिशन के। अब इसमें पहला हम फर्स्ट टाइप यहाँ पे जो मेन चैप्टर में पढ़ेंगे दैट विल बी कंडक्शन। हम यहाँ पे कंडक्शन एंड देन आफ्टर कंडक्शन वी विल डिस्कस अबाउट रेडिएशन। पहले हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे देन हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन का जो नॉर्मल फिनोमिना, जो नॉर्मल लॉजिक आप बनता है, आई थिंक वो आपके माइंड में सेटअप हो गया होगा। अब कंडक्शन की बात करते हैं हम लोग। पहले कंडक्शन कब आपका होता है, व्हेन देयर विल बी
डिफरेंस इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में क्या होगा, डिफरेंस होगा, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही रॉड है, उसके बट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या है, टेम्परेचर आपका डिफरेंट है। तो उस तरह से आपके कोई भी दो तरह की स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट। इफ टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। मान लीजिए ये आपका कोई रॉड है, मेटल रॉड है, आयरन रॉड है, इसका हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है आपका सेम है, दैट इज स्टेडी स्टेट। मतलब अभी क्या है, ये आपका जो हीट है वो फ्लो नहीं करेगा। क्यों फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है नहीं। देन दैट स्टेट विल नोन एज स्टेडी स्टेट, उस स्टेट को कहते हैं आपका स्टेडी स्टेट में है आपका ऑब्जेक्ट। वेरिएबल स्टेट, वट विल बी वेरिएबल स्टेट, इन केस ऑफ वेरिएबल स्टेट देयर विल बी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। कि कोई सेम ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक सेम ऑब्जेक्ट एक रॉड है, इसके इस एंड पे टेम्परेचर डिफरेंट है, इस एंड पे टेम्परेचर डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपका टी कॉन्स्टेंट नहीं है। नाउ दिस स्टेट नोन एज वेरिएबल स्टेट। नाउ व्हाट विल बी इन केस ऑफ वेरिएबल स्टेट, जब आपका टेम्परेचर सेम नहीं है। मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड का यहाँ पे टेम्परेचर टी वन है, यहाँ पे टेम्परेचर टी टू है। वेन देयर विल बी डिफरेंस इन टेम्परेचर, हीट विल फ्लो, अब यहाँ पे हीट फ्लो करेगी, ओके, एंड या मान लीजिए कि इसकी लेंथ एक्स है, हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आपको जनरली प्रॉपर्टी पता है कि हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जो आपका मान लीजिए कि हीट जो फ्लो करेगा, दैट इफ दैट हीट इज क्यू, दैट हीट इज क्यू, ठीक है, देन आपका ये क्यू की डिपेंडेंसी किस पे होगी, और यहाँ से आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, अभी कंडक्शन का प्रोसेस यहाँ पे होगा, तो जब कंडक्शन का प्रोसेस होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, अब हम ये डिस्कस करेंगे। आपका ये डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे टी वन टी टू है, लेकिन इसको आप थीटा से भी इंडिकेट करते हैं, ये आपका थीटा है, ध्यान रखिएगा थीटा है, ये क्यू नहीं है, क्यू हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका थीटा है, थीटा आपके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे टी वन है, तो मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर थीटा वन है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, थीटा टू है। जनरली टेम्परेचर को टी से इंडिकेट करते हैं, इसलिए पहले मैंने आपको टी वन एंड टी टू के टर्म में बताया है। अभी टी वन को आप थीटा वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी टू को आप थीटा टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर है, ठीक है। देन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू के, हियर के इज द कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई रो सी, डिवाइडेड बाई रो सी, एंड रो इज द डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी एंड सी इज द स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे क्या है, के क्या है आपका कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। रो डेंसिटी है आपका, सी स्पेसिफिक हीट है, एंड जो आपका रो सी है, इसको कंबाइन करके इसको कहते हैं थर्मल कैपेसिटी, इट इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी रो सी। मीन्स दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू दी कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो आपका डी थीटा बाई डी एक्स भी क्या होगा, मोर होगा, ज़्यादा होगा। एंड रो सी थर्मल कैपेसिटी, एंड डी थीटा बाई डी एक्स इज इनवर्सली प्रपोजनल टू दी थर्मल कैपेसिटी रो सी, वेयर रो इज द डेंसिटी एंड सी इज द स्पेसिफिक हीट। नाउ सी व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, हमें कंसिडर करें हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड की लेंथ क्या है, डेल एक्स है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एंड एक एंड पे, वन एंड पे इसका क्या है, टेम्परेचर थीटा वन है, एंड और अनदर एंड इट्स टेम्परेचर इज थीटा टू, ठीक है। अब जब टेम्परेचर में डिफरेंस है, देयर विल बी फ्लो ऑफ हीट, देयर विल बी फ्लो ऑफ हीट, ओके, एंड दैट अमाउंट ऑफ हीट, जो आपका जितना भी हीट फ्लो कर रहा है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज क्यू, देन दिस क्यू अमाउंट ऑफ हीट विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही आपका हीट ईजिली फ्लो करेगा, एंड दिस क्यू विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू दी माइनस डेल थीटा बाई डेल एक्स, माइनस डेल थीटा बाई डेल एक्स मीन्स थीटा, डेल थीटा मीन्स डेल थीटा विल बी इक्वल टू दी थीटा टू माइनस थीटा वन, मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, एंड इट विल बी इक्वल डायरेक्टली प्रपोजनल टू माइनस डेल थीटा बाई डेल एक्स, ओके, एंड दिस माइनस साइन इज ड्यू टू दी, दिस माइनस साइन इज ड्यू टू दी डिक्रीज इन टेम्परेचर। आपका ये माइनस साइन, ये माइनस जो साइन है यहाँ पे, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट हियर वी आर यूजिंग माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन बस यही दिखा रहा है
कि विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ देखिए, इट इज डी डेल थीटा बाई डेल एक्स मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर जैसे कि आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डी वी बाई डी एस, सिमिलरली टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है डी थीटा बाई डी एस मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट हियर वी आर यूजिंग माइनस साइन। ये माइनस साइन बस यही दिखा रहा है कि डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। मीन्स नाउ थीटा टू इज लेस देन थीटा वन एंड डेल थीटा इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है। नाउ एंड दिस क्यू विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू टी, कि जितने समय तक आपका प्रोसेस होगा उतने समय तक आपका क्या होगा, अच्छे से ही फ्लो कर सकेगा। तो इट इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू टाइम टी। अब इन तीनों को कंबाइन करेंगे देन के विल बी प्रपोजनल टू माइनस ए डेल थीटा बाई डेल एक्स टी। हेयर डेल थीटा बाई डेल एक्स इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, टी इज टाइम एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड। नाउ जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे। नाउ दिस कांस्टेंट के इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन, कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी हो रहा है, तो थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशियंट क्या होगा, इट इज के। नाउ अगर आप यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर आप इस फॉर्मूले में डेल थीटा की वैल्यू पुट करेंगे इट विल बी थीटा टू माइनस थीटा वन, और अगर आप यहाँ पे थीटा टू माइनस थीटा वन के प्लेस पे थीटा वन माइनस थीटा टू करेंगे तो माइनस आप कॉमन लेंगे देन दिस माइनस एंड माइनस विल बी प्लस। यहाँ से अगर आप के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्यू के विल बी इक्वल टू क्यू डेल एक्स, डेल एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो आपका ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड बाई ए। यहाँ पे हमने थीटा वन माइनस थीटा टू कर दिया गया है, कर दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज़ नहीं किया है। माइनस साइन क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, थीटा वन माइनस थीटा टू एट एन टी, आपका ये टी डिवाइड में जाएगा, इट विल बी टी, ओके। नाउ अगर आपका क्यू विल बी इक्वल, इफ क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए थीटा टू माइनस थीटा वन डेल एक्स टी देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्यू इज हीट एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मीन टाइम के साथ हीट कितना फ्लो हो रहा है, दैट विल बी क्यू बाई टी एंड वी विल इंडिकेट दिस क्यू बाई टी विथ एच। आप इसको क्यू बाई टी को किससे इंडिकेट करेंगे, एच से इंडिकेट करेंगे। देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एच विल बी इक्वल टू दी के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बाई एल। हमें कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे रॉड की लेंथ कितनी है, एल है, देन दिस एच विल बी इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बाई एल। माइनस साइन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा टू माइनस थीटा वन था तो हमने यहाँ पे इसके प्लेस पे थीटा माइनस कॉमन लेके यहाँ पे थीटा वन माइनस थीटा टू कर दिया गया देन दिस माइनस एंड ये इसका जो माइनस आएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन माइनस विल बी प्लस। सो इट वॉज ऑल अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से आपका हीट विल फ्लो, हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो हीट फ्लो कर रहा है तो उसकी क्या रेट है आपका, उसके लिए कितना अच्छे से कितना इजीली हीट फ्लो कर सकता है किसी भी मटेरियल के थ्रू, तो वो आपका उस मटेरियल के कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है और उसी के लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेडिएशन, व्हाट इज रेडिएशन, तो रेडिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, देखिए रेडिएशन इज इमिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो देखिए जब आपका एनर्जी किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होता है, एनर्जी अगर किसी भी सरफेस पर क्या होता है, इंसिडेंट होता है, देन सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट उस एनर्जी का रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम मीडियम पर, कुछ पार्ट आपका सरफेस के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है एंड जो रेस्ट पार्ट रहता है वो दूसरे मीडियम में क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, कंसीडर करें कि हमारे पास क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी सरफेस पर इंसिडेंट करती है, देन सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी रिफ्लेक्ट, इफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी इज आर एंड सब पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाई द सरफेस, जिस सरफेस पर आपका एनर्जी इंसिडेंट हुआ है तो कुछ पार्ट एनर्जी का सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इफ दैट इज ए एंड रेस्ट पार्ट विल बी ट्रांसमिट टू दी अनदर मीडियम, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, दैट इज टी। इफ दैट इज टी, ट्रांसमिशन एनर्जी क्या है आपका, टी है, तो टोटल एनर्जी क्यू विल बी इक्वल टू दी आर प्लस ए प्लस टी, क्योंकि यही जो टोटल एनर्जी है आपको पता है
एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। टोटल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में तो आपका क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये आपका Q विल बी इक्वल टू दी R प्लस E प्लस T। Q इज द टोटल एनर्जी, R इज द रिफ्लेक्टेड एनर्जी, A इज द एब्जॉर्ब एनर्जी एंड T इज द ट्रांसमिटेड एनर्जी। तो अगर आप यहाँ पे सब पूरे इक्वेशन Q से डिवाइड करेंगे तो देन Q बाई Q विल बी इक्वल टू दी 1 R बाई Q प्लस A बाई Q प्लस A बाई प्लस T बाई Q। तो R बाई Q इज नोन एज, इसको आप R से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल R, एंड दिस आर इज नोन एज रिफ्लेक्टेंस। दिस आर इज नोन एज रिफ्लेक्टेंस एंड ए इज नोन एज एब्जॉर्बेंस एंड टी नोन एज ट्रांसमिटेंस। मीन्स आपका जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी का पार्ट है कि रिफ्लेक्टेड कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी में से कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ है, टोटल एनर्जी क्यू है, उसका आर पार्ट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ है। दिस रेशियो नोन एज रिफ्लेक्टेंस स्मॉल आर। कितना पार्ट टोटल एनर्जी में से कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ है, दैट रेशियो नोन एज एब्जॉर्बेंस। एंड आपका टोटल एनर्जी में से कितना पार्ट आपका ट्रांसमिट हुआ है दूसरे मीडियम में, दैट इज नोन एज ट्रांसमिटेंस स्मॉल टी। एंड ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी आपका एक स्पेसिफिक टाइप का बॉडी होता है। इस बॉडी के क्या होता है, इसका जो टोटल एनर्जी, ब्लैक बॉडी को कंसिडर कीजिए, ये आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेफिनेशन आपको नोट्स में कराया गया है, आप यहाँ समझिए। ब्लैक बॉडी किस तरह की बॉडी होती है कि इस पर जितनी भी एनर्जी आपकी इंसिडेंट होती है, ठीक है, मान लीजिए टोटल एनर्जी क्या हुआ आपका, क्यों इंसिडेंट हुआ, तो सारी के सारी एनर्जी पहले ये बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। मीन्स इट्स एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल टू दी 1। टोटल एनर्जी कितना है, 1 है। एंड पूरी ओवरऑल एनर्जी क्या करती है, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड जब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है पूरी की पूरी, मीन्स इट्स रिफ्लेक्टेंस विल बी आर विल बी इक्वल टू 0, ट्रांसमिटेंस विल बी इक्वल टू 0। कोई भी पार्ट आपका एनर्जी का ना तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना ही ट्रांसमिट हो रहा है, सारा का सारा पार्ट जो एनर्जी आपका इंसिडेंट हुआ इस बॉडी को क्या हो गया, आपका एब्जॉर्ब कर लिया है बॉडी ने। एंड दैट बॉडी नोन एज ब्लैक बॉडी, दैट बॉडी नोन एज ब्लैक बॉडी। और उसके बाद क्या होता है, पहले जब बॉडी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर कुछ समय बाद वहाँ से उस बॉडी से क्या होता है, रेडिएशन होना स्टार्ट होता है। सो इट इज़ नोन एज ब्लैक बॉडी। तो इस तरह की बॉडी को कहते हैं आपका ब्लैक बॉडी। Now we have some important terms, spectral energy power। कि अब ऑब्जेक्ट है, इस पर टोटल एनर्जी मान लो क्यू आपकी इंसिडेंट होती है, आर पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, ए पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, टी पार्ट क्या होता है ट्रांसमिट हो गया, आपका एब्जॉर्बेंस रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिटेंस आपने पढ़ लिया क्या होता है। अब ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, जितना भी एनर्जी इंसिडेंट होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी का। अब देखिए बॉडी है तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, इमिसी पावर, एब्जॉर्प्शन पावर, कि बॉडी है उसका एमसी पावर कितना, उसका एब्जॉर्प्शन पावर कैसा है। तो एमसी पावर क्या होता है, देखिए एमसी पावर, एमसी मीन्स यहां पे एमिशन होगा, तो एमसी पावर इज द इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हम एमसी पावर को किसे इंडिकेट करेंगे, एमसी पावर इज द कि टोटल एनर्जी, एनर्जी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना एनर्जी क्या कर रही है, एमिट कर रही है, दैट विल बी एमिसी पावर ऑफ दैट बॉडी। नाउ व्हाट विल बी एब्जॉर्प्शन पावर, कोई बॉडी है इस पे क्या हो रहा है, एनर्जी क्या आ रही है, ये बॉडी को, बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बॉडी का जो यूनिट एरिया है, मीन्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर और टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट विल बी एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी का वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन पावर हो जाएगा। नाउ वी हैव स्पेक्ट्रल इमिसी पावर, एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लिए, स्पेक्ट्रल की बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल की बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रल का जो रिलेशन होता है वो आपका वेवलेंथ से होता है। सिमिलरली जैसे कि आपका इमिसी पावर विल बी एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, देन स्पेक्ट्रल एमिसी पावर विल बी एनर्जी इमिटेड यूनिट एरिया यूनिट टाइम पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ, यूनिट वेवलेंथ के लिए, पर यूनिट वेवलेंथ कि एक यूनिट वेवलेंथ के लिए कितना एनर्जी एमिट कर रहा है एक यूनिट एरिया के थ्रू यूनिट टाइम में, दैट विल बी स्पेक्ट्रल एमिसी पावर। एंड देन सिमिलरली आपका हो जाएगा स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर, दैट विल बी ए, देन स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर विल बी इक्वल टू दी एब्जॉर्ब एनर्जी यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ, कि आपका यूनिट एरिया यूनिट सेकेंड में यूनिट वेवलेंथ के लिए कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर।
ठीक है। तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके, स्पेक्ट्रल एमिसी पावर, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर। एंड नाउ वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म, इमिसिविटी। व्हाट इज इमिसिविटी? एमिसिविटी व्हाट क्या होता है? एमिसिविटी को आपका ई से या एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। एमिसिविटी इज द एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी। ये क्या कहा गया कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, ये पहले तो जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट होता है उसको क्या करता है, पहले पूरा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्या होता है, इस ब्लैक बॉडी से धीरे धीरे करके क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या होता है, रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है। रेडिएशन मीन्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एमिशन स्टार्ट होगा तो एमिसिव पावर क्या होता है, किसी भी बॉडी की जो एमिसिविटी होती है क्या होती है, दैट विल बी, अभी तो ब्लैक बॉडी की बात हो गया, तो ब्लैक बॉडी से हम अदर बॉडी को कंपेयर करते हैं, ब्लैक बॉडी को से हम अदर बॉडी को कंपेयर करते हैं कि इस बॉडी का जो भी, अब ब्लैक बॉडी हमारे लिए एक आइडियल बॉडी हो गई है। ब्लैक बॉडी क्या हो गई हमारे लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक आइडियल कंडीशन है। और जिसकी भी हमें एमिसिविटी निकालनी है, जिस भी बॉडी की, उसकी एमिसिव पावर को हम कंपेयर करेंगे कि ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में इसका एमिसिविटी कितना है, एमिसिविटी कितना है, ब्लैक बॉडी कंपैरिजन में इसका एमिसिव पावर कितना है, दैट इज नोन एज एमिसिविटी। तो आपका इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं। नोट्स में भी कुछ थ्योरी पार्ट्स हैं जो आपको रीड करना है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप सारे कॉन्सेप्ट आपको एक बार रीड करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।